हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास 9th एंड सब्जेक्ट इंग्लिश. ओके, तो बच्चों, हमने अपने इंग्लिश की जो बुक है 9th क्लास की, बिहाइव, इसका 1 चैप्टर रीड किया था, द फन दे हैड. ओके, और अब हम आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, द साउंड ऑफ म्यूजिक. और ये जो चैप्टर है, इसके हमारे 2 पार्ट्स हैं और 2 ही स्टोरीज हैं इसकी. और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एक गर्ल होती है जिसका कि नाम एवलिन जिलेनी होता है, ठीक है. तो वो बिना हियरिंग के, बिना हियरिंग एबिलिटी के भी वो साउंड्स को सुन सकती है म्यूज़िक के द्वारा, ये उसकी एबिलिटी है. तो बेटा, द साउंड ऑफ म्यूजिक, जैसा कि चैप्टर का नेम है कि म्यूज़िक की साउंड, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं जो चैप्टर को रीड करने से पहले दिया हुआ है. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. गॉड ने उसे हियरिंग की जो एबिलिटी थी उससे दूर रखा, लेकिन फिर भी वापसी में, यानी उसको हियरिंग की एबिलिटी नहीं दी थी, सुन नहीं सकती थी, डीफ थी, फिर भी वो बैक में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी चीज़ें दी गई जिससे कि उसने इस सोसाइटी में अपना नाम कमाया. व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुन सकते हैं या सुनते हैं उसको वो फील करती थी, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना गहराई से फील करती थी जितना हम कोई नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और ऐसा इसलिए था कि वह म्यूज़िक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. आप इस फॉलोइंग अकाउंट को, इस फॉलोइंग स्टोरी को रीड कीजिए ऐसे पर्सन के बारे में जो कि अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण उससे अगेंस्ट उससे लड़ा और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में साबित किया, ठीक है. तो हम एक ऐसी ही गर्ल की स्टोरी रीड कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि कुछ समय के लिए फ्लैशबैक में भी चलती है स्टोरी. तो आइए हम फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसको रीड करते हैं. रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. एक बहुत रश से भरा हुआ, क्राउड से भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म है लंदन का, जहाँ पर जॉस्टल का एक प्लेटफॉर्म है लंदन में, वहाँ पर वो खड़ी हुई है लड़की, स्लाइट सी, स्मॉल और पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो कि बहुत यंग दिखाई दे रही है, अबाउट 17 ईयर्स की वो गर्ल है, और वो नर्वस भी हो रही है और एक्साइटेड भी है, और वो फेल्ट कर रही है वाइब्रेशंस को जो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उसकी वाइब्रेशन को वो फील करती है. और इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म. आज उसका फर्स्ट डे था, वो रॉयल अकेडमी में जा रही है, लंदन की जो रॉयल अकेडमी है, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, म्यूजिक की रॉयल अकेडमी है, वहाँ पर वो अपने ऑडिशन के लिए जा रही थी. बहुत डॉन्टिंग थी, यानी फ्राइटनिंग थी, डरी हुई थी, भयभीत थी. और बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. लेकिन जो उसका एस्पायरिंग म्यूजिशियन था, उसके अंदर का ऐसा आदमी जो म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानता था, वो उसको चैलेंज कर रहा था. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ,
अब वो पूरी तरह से डीफ थी, यानी सुन नहीं सकती थी। एवलिन जेलेनी लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ने अपना जो हियरिंग की कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे खोई। उसका पता स्टार्टिंग में नहीं चला, किसी को भी, उसके पेरेंट्स को भी नहीं चल पाया। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ये पता कब चला उसकी मदर को, जब वो 8 years old थी और वो एक पियानो पर, पियानो को बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जब उसकी माँ ने उसके, उसको नाम लेके पुकारा तो उसने कोई मूव नहीं किया, यानी कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। तब उसकी माँ ने रियलाइज़ किया कि वास्तव में सुन नहीं सकती। सेज इसेबल ग्लैनी। इसेबल ग्लैनी कौन है? उसकी मदर। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और कुछ समय के लिए एवलिन ने भी कंसील किया, छिपाया उसकी अपनी डीफनेस को जो कि बढ़ रही थी, अपने फ्रेंड्स से भी छिपाया, अपने टीचर्स से भी छिपाया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रियोटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेट अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब बाद में, पहले तो छिपाया गया, लेकिन जब बाद में उसके जो मार्क्स थे स्टडी में वो डिट्रियोट होते गए, यानी बिगड़ते गए धीरे धीरे, एंड हर हेडमिस्ट्रेस, उसकी प्रिंसिपल ने, उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाओ जो कि इसके हियरिंग एड्स को चेक कर सके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो क्या हुआ, डिस्कवर्ड ये पाया गया कि उसके जो हियरिंग है वो डैमेज हो चुके हैं, उसकी जो नर्व सिस्टम है ईयर्स की वो धीरे धीरे डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीव। और उस डॉक्टर ने उनको एडवाइस दी पेरेंट्स को कि इसको हियरिंग एड्स फिट करने पड़ेंगे ईयर्स में, और फिर या इसको डीफ, जो डम्ब एंड डीफ वाला स्कूल होते हैं वहाँ पर इसको एडमिट कराना पड़ेगा, वहाँ पर इसको पढ़ाना पड़ेगा। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है जब वो डॉक्टर ने ऐसा बोला तो सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लुक्ड ब्लैक यानी मेरी जो लाइफ है वो ब्लैक हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन फिर भी एवलिन ने अपना करेज नहीं छोड़ा, अपनी आशा नहीं छोड़ी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसने निश्चय किया कि वो एक आम आदमी की तरह नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर उसको परस्यू रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी। पिक्चर में देखिए जाइलोफोन क्या होता है, आप जानते होंगे। तो तब उसने निश्चय किया कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से ऐसे टीचर थे उसके जो उसको डिस्करेज करते थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो बहरी हो। लेकिन एक ऐसे परक्यूशनिस्ट थे, संगीतज्ञ थे, म्यूजिकल टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसको पोटेंशियल किया, उसको क्या दिया, एबिलिटी बताई उसकी कि तुम इसको विकसित कर सकती हो। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने एक लार्ज ड्रम पर ट्यूनिंग बजाना स्टार्ट किया सर ने। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम अपने ईयर से इनको सुन नहीं पाओगी। ही वुड से ट्राई इट्स सेंस इट्स सम अदर वे। तुम इसको अपने सेंस से सुनो, दूसरे तरीके से। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up. और जब उन्होंने
वो ड्रम बजाना स्टार्ट किया सर ने, तो एवलिन बताती है कि अचानक मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जब हायर ड्रम बजता है यानी तेज़ आवाज़ में ड्रम बजता है तो उसका जो अपर वेस्ट है यानी कमर के ऊपर का जो हिस्सा है हृदय के पास वाला वो वाइब्रेट होने लगता है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जब लोअर बजता है ड्रम तो उसका जो वेस्ट डाउन है नीचे वाला हिस्सा वाइब्रेट होता है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने वापस उस एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नॉट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर हर बॉडी। तो एवलिन ने ये पता लगा लिया कि मैं इस सेंस को सर्टन नॉट कर सकती हूँ अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी जो म्यूजिकल वेव्स जो निकलती है उनको वो अपने बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग पार्ट में उसको फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तब से ही मैंने, एवलिन कहती है, तब से ही मैंने सीखा, अपने माइंड को खोला, अपने बॉडी को साउंड के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन नोटिस करना सिखाया। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और तब से उसने फिर शीर डिटर्मिनेशन कर लिया यानी दृढ़ निश्चय कर लिया और हार्ड वर्क करने लगी। ठीक है, उसने म्यूजिक को अपने बॉडी के ऑर्गन से ही फील करना स्टार्ट कर दिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स, उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टॉर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16। और तब फिर उसने यूनाइटेड किंगडम की हर जगह उसने टूर किया यूके का, और एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में वो टाइम टू टाइम जाती रही, और तब वो 16 ईयर्स की हो गई थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। फिर उसने रॉयल अकेडमी लंदन में म्यूजिक का एक ऑडिशन दिया जहाँ पर उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसको मिले, और उस अकेडमी की हिस्ट्री में अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क उसको मिले, यानी कि डीफ होते हुए भी उसने अपने इस म्यूजिक वाले जो पोर्शन में, म्यूजिक वाले सेक्शन में वो आगे बढ़ती गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे उसने अपने सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया ऑर्केस्ट्रा वर्क में। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और रॉयल अकेडमी में 3 ईयर्स का कोर्स लेने के दौरान उसने कई टॉप अवार्ड्स भी जीते। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और एवलिन कहती है कि अगर आपको कोई हार्ड वर्क करते हैं आप, तो आपको आपका अचीवमेंट जो हीरोइक अचीवमेंट है वो आपको निश्चय ही मिलता है, यू विल गेट देयर, तुम उसको पा सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो ऊपर चलती चली गई यानी प्रोग्रेस करती गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे वर्ल्ड की मोस्ट टॉप मोस्ट मल्टी परक्यूनिस्ट यानी थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली वो एक अकेली लड़की थी, उसने एक साथ थाउजेंड स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजा सकती थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में उसने महारत हासिल कर ली, कितने इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है वो, थाउजेंड लगभग। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका हमेशा इंटरनेशनल शेड्यूल होता था, व्यस्त कार्यक्रम हुआ करता था। तो इतनी फेमस हो गई वो अपने हार्ड वर्क के कारण। इट इज़ इंट्रीगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। रॉयल अकेडमी में जब उसका इंटरव्यू हुआ था तो उसने विदाउट हियरिंग बिना सुनते हुए भी वो लगभग 2 घंटे तक फुल उसने डिस्कशन किया, और कभी भी अपने एक वर्ड को भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, उसका कहना था कि जो व्यक्ति बुशी बियर्ड वाला होता है यानी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला जो होता है वो मुझे ट्रबल देता है, यानी उसका बोलना मैं
उसके लिप्स को नहीं देख पाती हूँ। शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि मैं उसके लिप्स नहीं देख पाती हूँ और उसकी रिदिम को पकड़ नहीं पाती हूँ कि वो क्या कह रहा है। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़, मैं उसके होल फेस को देखती हूँ स्पेशली उसकी आइज़ को, और फिर उन रिदिम से मैं उसकी स्पीकिंग का पता लगा सकती हूँ। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो एक स्कॉटिश लिल्ट एक वे है बोलने का, स्पीकिंग का, तो वो कंटिन्यू बोलती रही फ्लॉलेसली। माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, वो हर फ्रेंच भी बोल सकती थी और पहचान सकती थी, जापानीज का बेसिक नॉलेज भी उसे था। फॉर एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है कि मेरे बॉडी के हर पार्ट में मैं म्यूजिक को फील करती हूँ, पावर्स करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, म्यूजिक की जो वाइब्रेशन है वो मेरी स्किन की टिंगल्स में और मेरे चीक बोन्स में और मेरे हेयर तक में मुझे वाइब्रेशन सुनाई देती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर स्ट्रिप्स, तो उसकी जो साउंड है उसके फिंगर स्ट्रिप्स में, फिंगर की जो स्ट्रिप्स होती है ये पोर, उनमें उसको वाइब्रेशन होता है। My leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. और जो उसका ड्रम में म्यूजिक होता है तो उसका रिजोनेंस वो अपनी बॉडी में महसूस करती है। On a wooden platform, she removes her shoes. और wooden platform पर जब वो परफॉर्म करती है, लकड़ी के platform पे, तो वो अपने शूज़ को उतार देती है ताकि वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन होता है म्यूजिक के साथ वो उसके नंगे पैरों से उसके लेग्स तक पहुंच सके। तो इस तरह से वो अपनी बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक के वाइब्रेशन को फील करती है और इसी फीलिंग के साथ उसने अपना एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो बना लिया था। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society in prestigious College of the Year Award. उसको 1991 में एक अवार्ड दिया गया Royal Philharmonic Society के द्वारा, prestigious Soloist of the Year Award, यानी Musician Soloist Award उसे दिया गया। से मास्टर प्रिकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, उनके जो मास्टर थे परक्यूनिस्ट थे, वो भी तबला वादक थे, म्यूजिशियन थे, जेम्स ब्लेड्स जिनका नेम था, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि गॉड जो है उसने उसकी हियरिंग को ले लिया है लेकिन फिर भी उसे कुछ अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें दी गई है गॉड गिफ्ट के द्वारा, क्योंकि एक अगर उसमें कमी है तो उसके साथ उसको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ दे दी है गॉड ने। व्हाट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं उसको वो फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत गहराई से, जितना कि हम भी नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो म्यूजिक को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस भी करती थी। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Evelyn इस चीज़ को confess करती है कि वो something workaholic है, यानी good worker है। I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, regular उसके संग concert होते थे, regular music program होते थे उसके। Evelyn also give free concert in prison and hospitals. Evelyn कई free concert भी करती थी, यानी अपने free program भी करती थी कहाँ कहाँ पर, prisoners के लिए और hospitals के लिए।
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो यंग म्यूजिशियंस को हाई प्रायोरिटी देती थी म्यूजिक में. एनी रिचलिन ऑफ द बेथवॉन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. एनी रिचलिन जो थे एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने डीफ चिल्ड्रंस के लिए कहा है कि वो डीफ चिल्ड्रन के बीच में एक शाइनिंग इंस्पिरेशन के रूप में बन करके आई. दे सी दैट देर इज नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो. वो वहाँ तक पहुँच गई है अब कि जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता. एवलिन Jenny has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Jelani ने पूरा कर लिया है, complete कर लिया है जितना कि दूसरे लोग दो बार में भी नहीं कर पाते हैं उनकी एज में. She has brought percussion to the front of the orchestra. वो orchestra के सामने अपनी म्यूजिक एबिलिटी को लाई. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. एवलिन उन लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशन बन के आई, प्रेरणा बन के आई जो कि हैंडीकैप्ड हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये ऐसा कर सकती है आई कैन, हम भी कर सकते हैं. नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और वो एवलिन क्या है, एक इनॉर्मस बहुत ग्रेट प्लेजर के साथ मिलियंस ऑफ लोग पीपल्स की चहेती बन गई है. तो इस तरह से फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी, फिजिकल डिफनेस होते हुए भी एवलिन ने म्यूजिक की वर्ल्ड में या म्यूजिशियंस की वर्ड में अपने बॉडी ऑर्गन्स से फील करके और कितना बड़ा मुकाम हासिल किया. तो ये थी एवलिन जेनेली. ठीक है, तो ये हमारा बेटा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है इसका. अब हम इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां. ये भी एक म्यूजिशियन थे, शहनाई वादक थे. इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तो जो पढ़ाया गया है फर्स्ट पार्ट उसको आप अच्छे से रीड करना. तब तक के लिए गुड बाय.